हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिग्निफिकेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्योल। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं और ये जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसी तरह जो +2 कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ हैं उनके लिए भी रेलिवेंट है और इसी तरह जो BOMP के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रेलिवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो। इसकी जो ब्रीफ समरी जो है वो फ्री स्टडिंग डीडल के अंदर शेयर की हुई है तो आप लोग वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। ये मेरी ऐप है एड्रेसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो बिजनेस स्टडी फॉर +2 कॉमर्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। हेनरी फ्योल जो है उनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए। ही वॉज अर्लियर ए फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, बाद में वो इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सक्सेसफुल मैनेजर। उन्होंने एक बुक फ्रेंच के अंदर लिखी थी 1916 के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल इन फ्रेंच। बाद में उसको 29 के अंदर इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप ब्रीफली देखते हैं कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई बिजनेस एक्टिविटी इनटू 6। उसी तरह मैनेजमेंट को एज ए सेपरेट सेट ऑफ स्किल्स और जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन 5 एलिमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए और उसी तरह उन्होंने एम्फेसाइज किया मैनेजरल क्वालिटीज़ को। तो अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो गाइडलाइंस होती हैं जो मैनेजर को हेल्प करती हैं, क्योंकि जब हमने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं गाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। प्रिंसिपल इज़ ए फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रुथ प्रोवाइडिंग ए गाइड टू थॉट और एक्शन, कि जो हमें गाइड करता है कि हमें इस काम को इस तरीके से करना चाहिए। एडविन बी फ्लिप्पो प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल ट्रूथ, इट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ कॉज और इफेक्ट रिलेशन। तो ब्रीफली हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इट हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, सब जगह पर ये एप्लीकेबल है। तो ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमें गाइड करती हैं। और उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो हम उनके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिना किसी मॉडिफिकेशन के एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको क्या होता है कि मॉडिफाई करना पड़ता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का फीचर होता है। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है दे आर रिलेटेड टू द ह्यूमन बिहेवियर। Now we will understand what are the 14 principles which are given by the Henry Fayol: division of work, parity between authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to the general interest, fair remuneration to the workers, effective centralization, scalar chain, order, equity, stability of the tenure of personnel, initiative, spirit de corps, जिसको हम 1 by 1 करके स्टडी करेंगे। तो डिवीज़न ऑफ वर्क के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे काम को अलग अलग लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे टेलर है, अगर वो पूरे दिन के अंदर खुद पूरा काम खुद ही करता है तो दिन में एक ही ड्रेस जो है स्टिच कर पाता है। और जब काम डिवाइड हो जाता है, जैसे कोई मेजरमेंट ले रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई स्टिच कर रहा है, कोई फिनिशिंग कर रहा है, कोई इंटरलॉकिंग कर रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक बंदा थोड़ा थोड़ा काम करता है। तो दिन के अंदर 23 सूट जो है स्टिच हो जाते हैं। तो डिवीज़न ऑफ वर्क के अंदर जो काम होता है उसको छोटे छोटे भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और हर बंदा जो है अपना अपना हिस्से का काम करता है। तो जब वो लगातार उसको करता है तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन, वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर के अंदर इंस्टेड के एक बंदा एक ही काम करे, यहाँ पे क्या होता है कि उसको काम का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है। इससे वेस्टेज ऑफ टाइम जो होता है वो बच जाता है। और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बंदा उस पर्टिकुलर काम के अंदर एक्सपर्ट बन जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन शुड बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द फ्योल। ये टेक्निकल एंड मैनेजरल एक्टिविटी दोनों के अंदर यूज किया जा सकता है। सेकेंड जो प्रिंसिपल है डैट इज द पैरिटी, डैट इज द इक्वालिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को कोई काम देते हैं कि तू इस काम के लिए अकाउंटेबल है, तो वो काम तभी परफॉर्म कर पाएगा जब हम उसको अथॉरिटी देते हैं, पावर देते हैं। अब जैसे हमने परचेज मैनेजर को कोई काम दिया है तो परचेज मैनेजर को हमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी ताकि वो अपने सबॉर्डिनेट से काम ले सके। Authority and responsibility should go side by side. A person can be accountable for certain activity. अगर हम उसको authority देते हैं कि ये काम तो दूसरों से करवा सकता है। जब किसी व्यक्ति को हम कोई काम देते हैं और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम उसके साथ सफिशिएंट अथॉरिटी भी देते हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जो रूल्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, उनके प्रति हमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए। The organizational rules and employment agreement should be obeyed by the both superior and subordinate. अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो वहाँ पे हर चीज के अंदर क्योस होगा, सिस्टमेटिक मैनर के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो डिसिप्लिन बहुत ही नेसेसरी है स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। जैसे एक स्टूडेंट है, उसने अगर अच्छे मार्क्स ले रहे हैं तो उसकी भी स्टडी के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। जब हम स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाते हैं तो स्कूल और कॉलेजेस के रूल्स फॉलो करते हैं। तो डिसिप्लिन इज वेरी मच नीडेड फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, और इसके बिना जो है बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हम अपने सुपीरियर जो कहते हैं ओबीडियंस, और जो अथॉरिटी है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो रूल्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज कर लो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो ए भी मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बी भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सी भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, डी भी। तो देयर आर फोर बॉसेस, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि चार लोग मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चलेगा मुझे किसका काम पहले करना है, तो क्योस रहेगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर है कि जो ऑर्डर है वो आपको एक ही सुपीरियर से, एक ही बॉस से मिलने चाहिए, और एम्प्लॉय जो है उसी बॉस के को आंसरेबल है। और अगर एक व्यक्ति के एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो डेफिनेटली अलग अलग ऑर्डर्स आएंगे जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट होगा, और एम्प्लॉय कन्फ्यूज हो जाएगा, और एम्प्लॉय अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, दो चीजें बनाती है, स्कूटर एंड कार। अब स्कूटर की अलग मार्केट है, स्कूटर की जो डिवीजन है उसकी अलग प्रॉब्लम होगी, तो स्कूटर की जो डिवीजन है उसके लिए अलग से प्लान होना चाहिए, अलग से जो कार की है उसके लिए अलग से प्लान होना चाहिए। क्योंकि दोनों के लिए सेम नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी मार्केट है। तो यहाँ पे ईच डिवीजन दे शुड हैव देयर ओन प्लान। तो ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंस यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर है कि एक बॉस से ही हमें ऑर्डर मिलना चाहिए, हम उसी बॉस को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें डबल जो है सबॉर्डिनेशन नहीं करनी पड़ेगी, और ना ही कोई क्योस पैदा होगा। और ये जो चीज़ है इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को इफेक्ट करती है, क्योंकि काम सही तरीके से हो सकता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो एक्टिविटीज़ का सेम ऑब्जेक्टिव है उसको एक बंदे की सुपरविजन के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए। देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन फॉर सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो इससे क्या होगा कि जब हम ओवरलैपिंग नहीं होगी, और ये चीज जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, ये भी एक एसेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है टू मेक ए पीपल रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप, डायरेक्ट देयर एफर्ट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को तवज्जो देनी है, अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको तवज्जो नहीं देनी है। हमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना है। जैसे परचेज मैनेजर है, उसने रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो वो उसका अपना बेटा भी सप्लाई करता है, तो ये नहीं है कि वो अपने बेटे से महंगे दामों पर खरीद ले। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा सोचना है कि जहाँ पे उसको कॉम्पिटिटिव रेट मिलता है वहाँ से उसने वो चीज़ें परचेज करनी है। His son happens to be supplier along with other supplier in the market. The manager purchases the raw material from firm of his son at a rate higher than market rate. This will profit the manager personally, but the company will incur heavy loss. तो यहाँ पे जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो जो जनरल इंटरेस्ट है उसको हमने देना है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो इम्पोर्टेंट है rather कि हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज है कि जो एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको फेयर रेम्यूनरेशन पे करना है ताकि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बता सके। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसके मुताबिक क्या है कि इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। ना बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन ना बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अथॉरिटी जो है कुछ लोगों के हाथ में फोकस्ड होती है, तो वही लोग डिसीजन लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हर एक ब्रांच या हर एक डिपार्टमेंट जो है अपना डिसीजन ले सकता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं दे शुड बी सेंट्रलाइज्ड और जो रूटीन मैटर्स हैं दे शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट, कि सबॉर्डिनेट डिसीजन ले सकता है, वो डिसेंट्रलाइजेशन होती है। जहाँ पे सबॉर्डिनेट की जो इम्पोर्टेंस कम होती है वो सेंट्रलाइजेशन, कुछ पावर जो होती है कुछ लोगों के हाथ में सीमित होती है। उसी तरह जैसे मेन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज हैं तो वो जो है सुपीरियर के हाथ में होना चाहिए, और जो रूटीन वर्क है जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, एम्प्लॉइज को लीव देनी है, तो वो सबॉर्डिनेट को डेलीगेट किया जा सकता है। और उसी तरह हम देखते हैं स्केलर चेन, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे अथॉरिटी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और जी। इधर से ए से एल, एल से एम, एन, ओ, पी, क्यू। और अगर यहाँ पे हमने पी को कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पे एफ को, ई को बताना पड़ेगा, फिर ई डी को बताएगा, डी सी, तो इस तरह से हम इस तरह से पहुँचेंगे। तो ये स्केलर चेन है। इसके अंदर क्या है, Scalar chain refer to the formal line of authority and communication which move from the highest to the lowest rank in a straight line. Fail का ये opinion था कि strict manner के अंदर इसको follow करना चाहिए, तो communication top से bottom की तरफ आती है। और उसी तरह अगर bottom ने करना है तो वो step अपने boss को, फिर वो अपने boss को। तो important condition है कि किसी भी जो step है उसको हमने overlook नहीं करना। इसका मतलब है कि जैसे जी ने अगर डी के साथ कम्युनिकेट करना है तो एफ, पहले वो एफ से एफ ई के साथ, फिर ई डी के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो ये स्टेप हमने ओवरलुक नहीं करने। और उसी तरह अगर कंपनी के अंदर एम्प्लॉय एफ जो है वो बी के साथ कांटेक्ट कर सकता है, तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन के मुताबिक पहले उसको ए के मतलब ई डी सी बी, फिर ए के साथ, फिर उसके बाद एल एम एन ओ, फिर उसके बाद रीच। तो यहाँ पे मतलब उसको 9 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक गैंग प्लैंक है जिसका फ्योल ने क्या कि मतलब कंटिन्यूएशन में यूज नहीं करना चाहिए। इट इज द एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ पे था कि अगर हॉरिजॉन्टल लेवल है, जैसे यहाँ पे देखो अगर एफ है, एफ ने पी के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो सीधे कर सकता है, जी ने अगर क्यू के साथ करना है तो सीधा कर सकता है। तो ये गैंग प्लैंक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। The concept was developed to establish a direct contact with employee of equal rank in case of emergency to avoid delay in communication. टेंथ जो प्रिंसिपल है डेट इज द ऑर्डर, इसका मतलब है कि हर चीज सिस्टमैटिक मैनर के अंदर होनी चाहिए। तो राइट पर्सन जो है राइट जॉब पे होना चाहिए, राइट डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए, और राइट थिंग जो है वो राइट प्लेस पे होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल मटेरियल ऑर्डर जो है फिजिकल, हर एक चीज़ की एक प्लेस होती है, वो वहीं पे मेंटेन होनी चाहिए। सोशल ऑर्डर के अंदर क्या है कि देयर शुड बी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो ये सोशल ऑर्डर जो है ह्यूमन बिहेवियर के लिए है। इक्विटी का मतलब है कि मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट एज फेयरली एज पॉसिबल सो दैट दे डेवलप ए फीलिंग ऑफ डेडिकेशन। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि किसी वर्कर को ये ना लगे कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ये नहीं कि हायर एंड फायर की पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, क्योंकि हायर एंड फायर की होगी तो लोग जो हैं सिक्योर नहीं होंगे और काम सही तरीके से नहीं करेंगे। तो देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉय, ये नहीं कि आज रखा और कल निकाल दिया। तो इसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वर्कर जो है मोटिवेशन के साथ एफिशिएंटली के साथ काम करे। तो इनिशिएटिव का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ को हमने स्नब नहीं करना, उनको इनकरेज करना है कि दे शुड टेक द इनिशिएटिव, दे शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी एंड मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान, ताकि एम्प्लॉयज़ को हम इनकरेज कर सकें। एंड द लास्ट इज स्पिरिट द कॉप्स, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ के देयर शुड बी कॉपरेशन यूनाइटेडनेस among the members of an organization. इसका मतलब है स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज है दे आर लॉयल टू देयर ऑर्गेनाइजेशन और जिस ग्रुप के साथ वो जुड़े हुए हैं उसके प्रति लॉयल्टी है, उसके प्रति डिवोशन है। और मैनेजर जो है लगातार एफर्ट्स करे ताकि उन लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ सके, कोऑर्डिनेट कर सके, और दोनों की जो है कोहेसिवनेस होनी चाहिए। यूनाइटेड एफर्ट से जो है कॉपरेशन के साथ हमारे गोल जो है अचीव होने चाहिए।